श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का महत्व। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय अब मैं चौथे अध्याय का महत्व बतलाता हूँ, सुनो। भागीरथी के तट पर वाराणसी बनारस नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर हो आदर पूर्वक गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते थे। उनके अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। वे शीत उष्ण आदि इंद्रों से कभी व्यक्तित नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोवन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहाँ बेर के दो वृक्ष थे, उन्हीं की जड़ में विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा तथा और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5-6 दिनों के भीतर सूख गए। उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रह गई। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मणों के पवित्र गृह में दो कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गई, तब एक दिन उन्होंने दूर देश में घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखकर ही वे दोनों उनके चरण में पड़ गईं और मीठी वाणी में बोली, मुने आपकी कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियो मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष होने में क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बेर को जाने का कारण बतलाती हुई बोली, मुने गोदावरी नदी के तट पर चित्रपाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में तपस्या सत्य तपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे ही रहते थे तथा जाड़े के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते, समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों को समय से रखते हुए परम शांति प्राप्त करने आत्मा में ही रमण करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के बाद साक्षात ब्रह्मा भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्यपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपने समृद्धशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ किए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो जो तुम्हें इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर, जहां वे मुनि तपस्या करते थे, आई। वहां मंद एवं गंभीर स्वर में बजते हुए मृदंग तथा मधुर बेगुनाद से के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं हित मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं,
उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगी। बीच बीच में जरा जरा सा अचल खिसकने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी। हम दोनों की उत्पन्न गति काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उसने इस निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध धक्का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें कोष पूर्वक शाप दिया, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष में हो जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा, महात्मन हम दोनों पराधीन थी, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा करें। यों कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शापोद्वार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह शाप लागू होगा। इसके बाद तुम लोगों का मृत्यलोक में जन्म होगा और पूर्व जन की स्मृति बनी रहेगी। मुनि, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के चौथे अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था, अतः हम आपको प्रणाम करते हैं। आपने केवल शाप से ही नहीं, इस भयावह संसार से भी गीता के चतुर्थ अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया है। श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए, तथा वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ करने लगीं, जिससे उनका उद्धार हो गया। इसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इच्छा वक्र के प्रति कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन, वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लोप हो गया था, वह भी यह पुरातन होगा। अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त है और प्रिय सखा है, इसलिए तथा यह योग बहुत उत्तम और रहस्य अर्थात अति मर्मक विषय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, इसलिए इस योग को कल्प के आदि में आपने कहा था, यह मैं कैसे जानूं? इस पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे प्राणंत, उन सबको तू नहीं जानता है और मैं जानता हूँ। मेरा जन्म प्राकृतिक मनुष्य के सदृश नहीं है, मैं आत्म अविनाशी शबरूप अंजमा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग अभ्यास से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात प्रकट करता हूँ, क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मेरा यह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जनता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, पहले ही भी राग भय और क्रोध से रहित अन्याय भाव से मेरे में स्थिरता वाले मेरे शरण हुए
बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार मेरे मार्ग के अनुसार बरतते हैं। जो मेरे को तत्व से नहीं जानते हैं वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं और उनके कर्म से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र ही होती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तू मेरे ही सब प्रकार से भज। हे अर्जुन, गुण और कर्म के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनके कर्ता को भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान, क्योंकि कर्म के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मेरे को कर्म विलायमान नहीं करते। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है वह भी कर्म नहीं बांधता है, तथा पहले होने वाले मुमुक्ष पुरुष द्वारा ही इस प्रकार जानकर कि कर्म किया गया है, इससे तू पूर्वजों द्वारा सदा के लिए हुए कर्म को ही कर। परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ऐसे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हैं। इसलिए मैं यह कर्म अर्थात कर्मों का तत्व मेरे लिए अच्छी प्रकार कहूँगा कि जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, तथा निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में उनका ना होनापन देखे, और जो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखे, वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित है, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्म वाले पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त है, वह कर्म के फल और संग अर्थात कर्तव्य अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बरता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है, जीत लिया है अतःकरण और शरीर जिसने, तथा त्याग दी है संपूर्ण भोगों की सामग्री जिसने, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्मों को करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता है। अपने आप जो कुछ अप्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला और हर्ष शोकादि दंद्रों से अतीत हुआ तथा मत्सरता अर्थात ईर्ष्या से रहित सिद्धि और असिद्धियों में समत्व भाव वाला पुरुष कर्म को करने भी नहीं बनता है, क्योंकि आसक्ति रहित ज्ञान में स्थित हुए चिंता वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। उन यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुष में कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैं कि अर्पण अर्थात शत्रुवादिक भी ब्रह्मा हैं और हवि अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्मा हैं, और ब्रह्मा रूप अग्नि में महारूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्मा ही है। इसलिए ब्रह्मा रूप कर्म में समांधित हुए इस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्मा ही है, और दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही अच्छी प्रकार उपासते हैं अर्थात करते हैं, और दूसरे ज्ञानी जन पर ब्रह्मा परमात्मा रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को हवन करते हैं। अन्य योगी जन
त्रेतादिक सब इंद्रियों को संयम अर्थात स्वाधीनता रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात इंद्रियों को विषय से रोककर अपने वश में कर लेते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्दादिक विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात राग दोष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए भी भस्मारूप करते हैं। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों को चेष्टाओं तथा प्राणों के व्यवहार को ज्ञान से प्रकाशित करते हुए परमात्मा में स्थित रूप योगाग्नि से हवन करते हैं। दूसरे कई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले हैं। वैसे ही कई पुरुष स्वधर्म पालन रूप तप यज्ञ को करने वाले हैं और कई अष्टायोग रूप यज्ञ को करने वाले हैं और दूसरे अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष भगवान के नाम का जाप तथा भगवत प्राप्ति विषय का शास्त्रों का अध्ययन रूप ज्ञान यज्ञ के करने वाले हैं। दूसरे योगी जन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं। जैसे ही अन्य योगी जन प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य योगी जन प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम के प्राणायाम होते हैं। दूसरे नियम आहार करने वाले योगी जन प्राणों को प्राण में ही हवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञों द्वारा नाश हो गया है पाप जिनका, ऐसे यह सब ही पुरुष यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुक्षेत्र अर्जुन, यज्ञों के परिणाम स्वरूप ज्ञानामर्थ को भोगने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा प्राप्त होते हैं और यज्ञ रहित पुरुष को यह मनुष्य लोक की सुखदायक नहीं है, फिर परलोक जैसे सुखदायक होंगे। ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार किए गए हैं। उन सबको शरीर मन और इंद्रियों की क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होने वाले जान, इस प्रकार तत्व के जानकर निष्कर्म योग द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, संपूर्ण याग उन्हें मात्र कर्म ज्ञान से शेष होते हैं, अर्थात ज्ञान उनकी प्रकाष्ठा है। इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष से भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा इस ज्ञान को जान। वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे कि जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। और हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतना रूप हुआ अपने अंतर्गत समृद्ध बुद्धि से आधार संपूर्ण भूतों को देखेगा और उनके उपरांत मेरे में अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप में एक ही भाव हुआ सच्चिदानंद ही देखेगा। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्म को भस्ममय कर देता है। इसलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को नित्यनेक काल में अपने आप समयत्व बुद्धि रूप योग के द्वारा अच्छी प्रकार सुनांतकरण हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव करता है। हे अर्जुन, तिजेंद्रिय तत्पर हुआ श्राद्धवान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण भगवत प्राप्त रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, भगवान दिविषय को न जानने वाला तथा श्राद्ध रहित और संशय युक्त पुरुष परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। उनमें ही
संयम युक्त पुरुष के लिए तो ना सुख है और ना यह लोक है ना परलोक है, अर्थात यह लोक और परलोक दोनों ही उसके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। हे धनंजय, समत्व बुद्धिमान योग द्वारा भगवन दर्पण कर दिए हैं संपूर्ण कर्म जिसने और ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हैं सब संयम जिसके, ऐसे परमात्मा नारायण सब पुरुष को कर्म नहीं बांधते हैं। इसमें से भरतवंशी अर्जुन, तू समत्व बुद्धि रूप योग से स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित इस अपने संयम को ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेद करके युद्ध के लिए खड़ा हो।